संबित पात्रा पेशे से तो ढहें, लेकिन उनकी पहचान एक कुशल वक्ता के रूप में बनी हुई है। संबित पात्रा का जन्म 13 दिसंबर 1974 को उड़ीसा के जाजपुर जिले के मंगलपुर गांव में हुआ था। संबित पात्रा की शुरुआती पढ़ाई धनबाद से हुई। 2002 में वह कटक मेडिकल कॉलेज से एमएस की पढ़ाई पूरी कर चुके। 2003 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में बतौर मेडिकल अफसर तैनात हुए। उड़ीसा में मेडिकल की पढ़ाई करते वक्त एम्स में हुई प्रतियोगिता में उम्दा वक्ता बने। 2006 में इन्होंने एक स्वराज नाम से एक एनजीओ स्थापित किया, जिसका उद्देश्य पिछड़े समुदाय जैसे दलितों वंचितों को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा और स्वच्छता में सहायता करना था। यह एनजीओ मुख्य रूप से डॉक्टरों वकीलों और कुछ पुलिस अधिकारियों का समूह है। मेडिकल अफसर की नौकरी के बाद दिल्ली की मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य कैंप लगाते थे। एनजीओ और दलितों के लिए काम करते हुए उन्होंने राजनीतिक जमीन तैयार कर ली। एनजीओ के कार्यों में आने वाले भाजपा नेताओं से उनकी नज़दीकियां बढ़ने लगी। 2011 में संबित पात्रा ने हिंदू राव अस्पताल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 2012 में कश्मीरी गेट में भाजपा टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। भाजपा ने संबित पात्रा को दिल्ली प्रदेश का प्रवक्ता बनाया। 2014 में टीवी चैनलों पर वह भाजपा की बुलंद आवाज बनकर उभरे। 2017 में संबित पात्रा ONGC के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उड़ीसा के पुरी सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो ये थी भाजपा नेता संबित पात्रा के विषय में कुछ जानकारी। आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।